कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। नागपुर में कांग्रेस की तैयार हैं हम नाम की महारैली है और इसी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आगाज भी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी आरएसएस के गढ़ में मौजूद हैं। 138 साल पूरी कर चुकी कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया, लेकिन साल 2014 के बाद पार्टी की जो दुर्गति हुई उसकी उम्मीद खुद कांग्रेस को नहीं हुई होगी। माना जाता है कि गांधी परिवार की सहमति के बिना कांग्रेस में कोई फैसला किया ही नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे गांधी परिवार की पार्टी पर इसी वर्चस्व की। आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही किस्से। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे ये साफ हो जाता है कि पार्टी पर गांधी परिवार का दबदबा सालों से कायम है। उनकी मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। इन्हीं में से एक किस्सा है नरसिम्हा राव की ताजपोशी का। साल 1991 की बात है। राजीव गांधी की मौत के बाद कुछ सालों तक परिवार का कोई सदस्य सक्रिय तौर पर राजनीति में नहीं था गांधी परिवार का। लेकिन 1991 आता है, तब नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी का जो फैसला था वो सोनिया गांधी की सहमति से ही संभव हुआ। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी को खुश करने की राव की हर मुमकिन कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। हालांकि वो लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी के साथ उनकी बात नहीं बन पाई। थोड़ा पीछे लिए चलते हैं आपको, बात करते हैं 1950 की, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का ही दबदबा था, इस घटना से साफ हो गया। 1950 की बात है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना था और एक ऐसा मौका था यहाँ पर जहाँ नेहरू गांधी परिवार का पार्टी पर वर्चस्व बेहद सुदृढ़ तौर पर देखने को मिला था। सरदार पटेल गुट के उम्मीदवार पुरुषोत्तम दास टंडन ने नेहरू समर्थित आचार्य कृपलानी को पराजित कर दिया, हरा दिया। सरदार पटेल की 15 दिसंबर 1950 को मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद टंडन को नेहरू के दबाव की वजह से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष पर या तो नेहरू गांधी परिवार का या फिर उनके ही किसी वफादार के टिके रहने की बात की जाने लगी और ऐसा होता भी रहा। 1969 में कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन का कारण नेहरू गांधी परिवार को पार्टी के भीतर से मिल रही चुनौती थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निंजलिगप्पा की अगुवाई में पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चयनित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को इंदिरा गांधी ने स्वीकार ही नहीं किया। निर्दलीय वीवी गिरी को उन्होंने समर्थन और जीत दिलाई। पार्टी दो हिस्सों में बट गई, लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के जरिए इंदिरा गांधी ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां वो और उनका परिवार होगा वही असली कांग्रेस होगी। सोनिया गांधी ने जैसे ही कांग्रेस की बागडोर संभाली उसके बाद का गांधी परिवार की 6 साल की पार्टी से जो औपचारिक दूरी थी वो खत्म हो गई। 2004 से 14 के बीच यूपीए सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दोनों कार्यकाल में इस पूरे परिवार के वर्चस्व की चर्चा कई दफे होती रही। बेशक इस बीच कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया, लेकिन पार्टी पर अब भी नेहरू गांधी परिवार की पकड़ ही बदस्तूर कायम है। फिलहाल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर हैं, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी के छोटे से बड़े नेता कार्यकर्ता सभी गांधी परिवार का ही नेतृत्व स्वीकार करते हैं। फिलहाल केवल 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की सरकार है। अपने बूते यहाँ पर पार्टी ने सरकार बनाई है कांग्रेस ने, और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहाँ से नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वहाँ की 80 लोकसभा सीटों में उसकी 1 और 403 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 2 सीटों की हिस्सेदारी है। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नेता विपक्ष के लिए जरूरी जो आंकड़ा है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या उसका 10% सीट भी हासिल नहीं कर पाई है। 2014 में उसे 44 और 2019 में 52 सीटें हासिल हुई हैं। बहुत जरूरी है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना कि क्यों अर्श से फर्श पर आ गई देश की एक वक्त पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।